अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और अभी हम रास्ते में हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ और कौन कौन है। सो ये गाइस, ये मेरी बड़ी दीदी, मामा की लड़की छोटी वाली, और ये हमारे ड्राइवर भैया, और ये हमारी दीदी चश्मिश, इसने मेरा सीट छीन लिया है, ऐसी बेशरम लड़की है। तो ये हम रास्ते में पहुँचे हैं, तो गाइस इसके बाद मैं आपको सीधा कटरा पहुँचा, आई मीन कटरा पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस हम फाइनली कटरा में एंटर कर रहे हैं। तो ये गाइस हम हो चुके हैं मेन, अब हम यहाँ से जाएंगे जल्दी जल्दी मंदिर के लिए। पहले हम यहाँ से अपना कार्ड वगैरह ले लेते हैं, अपना मंगलसूत्र ले लेते हैं। और गाइस ये देखो, यहाँ पे रूम नहीं चाहिए। सो ये गाइस ये देखो कटरा का मेन मार्केट कितना सजाया है यहाँ पे, क्योंकि अब आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाया है। और आपको मैं अभी पूरा वैष्णो देवी तक दिखाऊंगी। थैंक यू, बाय। सो ये गाइस हम पहुँच गए हैं, अभी टिकट वगैरह लेंगे। और इसको देखो, कब से हमसे पैसे मांग रही है, हमारे पास खुद नहीं है, सच में नहीं है, नहीं है चेंज। भूख लग रही है, खाने के लिए तो कुछ दे दो, हमने खुद नहीं खाया सुबह से, सच में भरोसा नहीं हो रहा, इनसे पूछो, मैंने खुद सुबह से कुछ नहीं खाया, सच में मैं भूखे पेट आई हूँ। अभी ना हम जा रहे हैं, हम बिना कार्ड लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने आगे किसी और को बोल दिया, और ये लोग इतने बेशरम है कि बैग ही मेरे को दे दिया है, खुद नहीं उठा रहे, क्योंकि तो सबसे छोटी, और क्या करूँ, सबसे छोटी हूँ ना, इसीलिए करना पड़ रहा है। और गाइस इसको देखो, देखो ये गुजर है, गुजर, तो गाइस हम आगे मिलते हैं। हम ना यहाँ तक आ गए थे विदाउट कार्ड और विदाउट पर्ची के, क्योंकि हमें भैया ने पहले ही बोला था कि बिना कार्ड और बिना पर्ची के आ सकते हो, और हम डर रहे थे, क्योंकि हमें रास्ते में भी पुलिस वालों ने रोका था, बोला कि अगर आप लोगों को वापस आना पड़े तो हमें मत बोलना। तो ये हम अभी एंट्री मार रहे हैं यहाँ से। और ये गाइस हम फाइनली यहाँ पर अपना कार्ड ले रहे हैं। हेलो भैया, हेलो भैया, ये हमारे श्याम भैया, व्लॉग बना रही हूँ। तो ये अभी हम कार्ड लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे। ये गाइस हमें कार्ड मिल गया, और हम अभी यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर जाएंगे। हमारा बैग भी आ गया, और हम अब यहाँ से जाएंगे वीआईपी एंट्री। आधा घंटा ही चले और हमें भूख लगी, क्योंकि हम बिना खाना खाए आए थे। और ये हमने मंगवाया है, ये दो थाली मंगवाया है, फुल्का अचार सब्जी, और ये खाने लगी है, बाकी दो वॉशरूम गए हैं, और हम पहले खाते हैं। गाइज हमें खाना खा के चढ़े हुए दोबारा 5-10 मिनट भी नहीं, और हम थक गए, और हम गलती से सीढ़ी वाले साइड से आ गए, क्योंकि जो मैं तो गलती से आ गई भाई, मैं तो फिर से थक गई। और अगर हम मेन रोड से आए होते, नवरात्र की वजह से बहुत ही ज़्यादा रश है, और घोड़े भी वहाँ से चल रहे, तो तभी डर है, इसीलिए हमने ये वाला रास्ता अपनाया। अच्छे हाउस द जोश, गाइज हमने ना लगभग 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ सफ़र कर लिए है, इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा थक गए। और उसको देखो, मेरी छोटी वाली कज़िन, और इनको देखो गाइज, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अभी और भी सीढ़ियाँ हैं, जो ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं ये 115 है, इससे पहले वाला 271 था। और मैं यहाँ से आपको कटरा मेन सिटी दिखाती हूँ, ये देखो गाइज, नाइट व्यू ऑफ कटरा सिटी, आसपास के गांव भी है, बटी पेड़ ने पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। अच्छे हाउस द जोश, जोश खत्म खत्म, मेरी भी निकल गई, जितना खाया था वो सारा निकल गया। तो अभी हम यहाँ से भी आगे चलते हैं। अच्छे डोल चलो,
तो गाइज़ हम फिर से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। गाइज़ हमने सुना यहाँ की कढ़ी चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो फिर हम चारों के बीच में एक मंगवाया है, तो टेस्ट करते हैं कैसा है। कृपया बंदरों को खाने के लिए कुछ ना दे, अदरवाइज ये आपको खा जाएंगे। और ये हम अभी अद्दुकुआरी पहुँचे हैं और यहाँ तक था घोड़े का सफ़र, बट हम उस पर नहीं आए। आप लोग भी हो सके तो पैदल ही आना, क्योंकि घोड़े का सफ़र आपके लिए अच्छा हो सकता है बट घोड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप लोग अपनी टांगों का यूज़ करना। गाइस अभी हम हिमकोटी में पहुँचे हैं डोसा पॉइंट पे, और ये हमने डोसा लाया है और हमें फिर से भूख लग गई। अच्छे किसी ट्रपा में तो आला, तो हम अपना डोसा खाएंगे यहाँ पे। गाइस अभी आइसक्रीम का टाइम है, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए, बस 5 मिनट और हम पहुँच गए। इसको देखो गाइस, और ये हम बस माता रानी की कृपा से हम पहुँच गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रश। और ये गाइस भवन कितना सुंदर बना है, और ये अभी हमें ये वाला रास्ता जो है वो तय करना है। ये देखो, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ज्योत तेरी हे माता।
फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। गाइस यहाँ पे हमें लग रहा है हम फ्लावर की दुनिया में आ गए हैं, फूल की दुनिया में। सोवियर शॉप, प्रसाद केंद्र, ये गाइस भवन का व्यू, और हम यहाँ पे 4:30 घंटे में पहुँच गए। अभी हम नीचे आए हैं, अभी हम दर्शन करने जाएंगे गाइस, उसके बाद फिर हम वापस। गाइस हमारे ना VIP में हमारे दर्शन हो गए, हम यहाँ पे 12 बजे दर्शन करने के लिए गए थे और 1 बजे हमारे दर्शन हो गए, और हमें सारा अच्छे से बताया, क्योंकि हम ये बता के गए थे कि हम मजेल से हैं, तो हमारा दर्शन भी अच्छे से करवाया और हमें बताया पूरा वहाँ पे क्या क्या है, कौन सा कैसे है। तो अभी हम उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, अभी हम जा रहे हैं भैरव, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर वापस। तो चलिए अभी हम आपको भैरव लेके चलते हैं। अजय, अजय कौन से नंबर पे हो? 18। अभी 358 है, वो कंप्लीट करना है। गाइस हम रात के 3:30 बजे भैरव पहुँचे, और यहाँ पे रश देखो बहुत ही ज़्यादा है, और इनको देखो गाइस, और ये वापस आ चुका, और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रश है, और ये 5:30 बस सवेरा भी होने वाला है, और ये देखो गाइस कटरा मेन सिटी। तो ये हम चलते हैं आगे आगे। ये यहाँ पे वाटर पार्क बना है, आप लोग जा सकते हो, कैंपिंग भी लगा है यहाँ पे। ये अपना मंगलसूत्र वापस देते हुए। गाइस हम फाइनली कटरा मेन सिटी पहुँच गए हैं, तभी हम यहाँ से बस स्टैंड जा रहे हैं। हमने पहले ऑटो का बोला था तो उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा लगाया यहाँ से बस स्टैंड के लिए, 300 बोल रहे थे, इसलिए हमने लिया नहीं, तो हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और गाइस हम कल शाम के 7 बजे यहाँ से गए थे, और सुबह के 7 बजे हम वापस आ गए 12 घंटे में, और थोड़ा 1-2 घंटा वहाँ पे रेस्ट भी किया था। गाइस फाइनली हमें कोई ऐसा ऑटो मिला जिसने हमें सही रेट बोला यहाँ से बस स्टैंड तक 100 रुपये। पहले तो शायद से हमें रुकने भी पड़े थे, तो फिर चलो पहले हम यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, फिर हम जम्मू की ओर। जम्मू गाइस हम फाइनली ना जम्मू पहुंच गए और अपने घर पहुंचने वाले हैं, और ये हमने सब्ज़ी भी ले ली है, और कज़िन दोनों चले गए अपने घर, क्योंकि जब तक हम सब्ज़ी ले रहे थे तब तक वो चले गए, और हम भी जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो हम घर पे पहुंच गए और हमने माता रानी के दर्शन भी कर लिया, उनकी कृपा से बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए उनके, और अब नेक्स्ट टाइम उनका बुलावा आया तो फिर हम फिर से जाएंगे, बट मैं नवरात्रि में कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होता है, और इस वक्त मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाई इस टाइम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था, मतलब चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, कोई इधर से धक्का मार रहा था, कोई इधर से धक्का मार रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना पाई। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक मेरे व्लॉग के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सबों को हैप्पी नवरात्रि, बाय एंड टेक केयर।